तो यहाँ मैं जो शक्करपारे बनाने वाली हूँ वो है ऐसे कि मैं पहले इसके पीसेस कट करूँगी आटा गूंदने के बाद, उसको डीप फ्राई करके, और फिर हम अलग से इसको चाशनी में डिप करेंगे। चाशनी मैं इस आटे में गूंद के नहीं बना रही हूँ। तो चलिए देखते हैं। यहाँ मैंने लिया है 300 ग्राम मैदा, पिंच बेकिंग पाउडर, 10 से 12 कुटी हुई हरी इलायची, 1 टेबलस्पून खसखस, खसखस को मैंने भूना नहीं है, और साथ ही इसमें डालूंगी 1 टीएसपी कुटी हुई सौंफ, सौंफ को भी मैंने भूना नहीं है, 3 टेबलस्पून रिफाइन ऑयल और 2 टेबलस्पून घी। इसका हम देंगे मोयन। इसको अच्छे से हम पहले हाथ से मिक्स कर लेंगे, आटा और मोयन दोनों को अच्छे से मिला ले मसल मसल के। अगर हम इसको अच्छे से मसलेंगे नहीं तो हमारे जो भी शक्कर पारे हैं वो अच्छे खस्ता नहीं बनेंगे, या तो वो बहुत कड़क हो जाएंगे और या तो वो बहुत ही सॉफ्ट सीले से बनेंगे। मीठी कोई भी हम रेसिपी बना रहे होते हैं तो उसमें घी का जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आता है। तो ये देखिए हमारा जो मोयन है वो आटे में बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है, और इसमें अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका सॉफ्ट आटा गूंद लेंगे। इसका आटा भी हमें पूरी की तरह नहीं चाहिए, जैसा हम रोटी का आटा लगाते हैं उस तरीके से थोड़ा सॉफ्ट चाहिए। मुझे ऐसा लगता था पहले कि हाँ पूरी के जैसा हम कड़क आटा गूंदेंगे मोयन डालने के बाद तो वो बहुत ही अच्छे खस्ता बनेंगे, पर ये मेरी गलत फहमी थी, ऐसा कुछ होता नहीं था। फिर मैंने इसको सॉफ्ट आटा गूंद के ट्राई किया और ये बहुत ही अच्छे बनने लगे। तो हो सकता है आप लोगों के साथ भी ऐसी दिक्कत आती होगी, तो एक बार आप थोड़ा सा सॉफ्ट आटा गूंद के ट्राई करें, बहुत ही अच्छे आपके शक्करपारे बनेंगे। तो ये देखिए हमारा जो आटा है वो बहुत अच्छा मैंने सॉफ्ट गूंदा है, और इसको मैं 20 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ूंगी, उसके बाद हम इसको मसल के थोड़ा सा चिकना करेंगे। तो यहाँ पे मैंने हमारे शक्करपारे के आटे को थोड़ा 20 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ा था, तो यहाँ हाथ को मैंने ग्रीस किया है घी से, और इसको मसल मसल के हम थोड़ा सा चिकना कर लेंगे आटा। और इसको अब हम बेलेंगे। तो यहाँ मैंने चकली पे भी थोड़ा सा तेल लगा लिया है ताकि हमारा आटा इसमें चिपके ना, और रोटी जैसा इसको अब हम बेलने वाले हैं। तो ये देखिए मैंने इसको रोटी जैसा पतला, बहुत ज़्यादा पतला नहीं पर पराठे से पतला और थोड़ा रोटी से हल्का सा मोटा, और इसको अब हम करेंगे पीसेस में कट। पीसेस आप अपने अकॉर्डिंग छोटा बड़ा कर सकते हैं। और जब तक हमारा तेल गरम हो रहा है तब तक मैं इसको एक प्लेट में निकाल लेती हूँ, या मैं इधर ढक्कन पे ही निकाल लेती हूँ। इसको आप इस तरीके से भी उठा सकते हैं, आपको एक एक शेप बहुत ध्यान रख के उठाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसको जब हम तेल में डीप फ्राई करेंगे तो ये अपने आप आराम से अलग हो जाएंगी, इस तरीके से चिपकी हुई नहीं रहेंगी। तो मैं बाकी भी बेल के तैयार कर लेती हूँ। इसका आटा कभी भी आप बहुत हार्ड ना गूंदें, क्योंकि जब हम इसको डीप फ्राई करेंगे तो उस टाइम तो ये खस्ता बन जाएंगे, पर ठंडे होने के बाद ये थोड़े कड़क से हो जाएंगे चबाने में, जो खाने में मज़ा नहीं आता, ऐसा लगता है ना कि मुंह में जाते से जो अच्छे से क्रिस्पी होके मुंह में चला जाए तो वो फीलिंग नहीं आएगी। इस वजह से इसको
थोड़ा सा सॉफ्ट आटा गूंदे, और खसखस और सौंफ की वजह से इसका टेस्ट डबल होने वाला है। तो इसको हम ज़रा चेक कर लेते हैं हमारा तेल गरम हुआ है कि नहीं। तो ये देखिए तेल हमारा हो चुका है इतना कि इसमें हम हमारे शक्करपारे डाल सकते हैं, और डीप फ्राई होके देखिए ऊपर आ चुका है। तो गैस की फ्लेम यहाँ पे मैं करूँगी कम, और धीरे धीरे इसमें हम डालेंगे हमारे ये डीप फ्राई होने के लिए शक्करपारे। तेल बहुत ज़्यादा आंच में कभी गरम ना करें, वरना वो ऊपर से तो बहुत जल्दी सिक जाएगा और कलर आ जाएगा, पर वो अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो ये देखिए इसको ऊपर ये आ चुका है तैर के, और इसको अब मैं इस तरीके से हिला रही हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सब कोई अलग हो चुके हैं। और अब इसको मीडियम फ्लेम पे ही थोड़ा गोल्डन कलर होने तक हमें इस तरीके से भूनना है। तो ये आपने जिस शेप में काटा था उसी शेप में है, और एक एक शक्करपारे अच्छे से अलग हो चुके हैं, तो इसलिए बिल्कुल भी चिंता ना करें कि आपको एक एक शेप अलग अलग उठा के डालना पड़ेगा। और कुछ कुछ तो थोड़े से देखिए फूलने भी शुरू हो गए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे शक्करपारे बहुत अच्छे से सिक चुके हैं, तो इनको अभी बहुत ज़्यादा भी डार्क नहीं करूँगी कि कड़क हो जाए। इसको हम निकालेंगे एक टिश्यू पेपर पर। और इसी तरीके से हम अपने सारे बचे हुए शक्करपारे जो है उनको भी डीप फ्राई कर लेंगे। गैस की फ्लेम, अगर आपको लग रहा है कि तेल अभी ठंडा हो चुका है, तो उसको हल्का सा मीडियम कर ले थोड़ी देर के लिए। शक्करपारे की चाशनी बनाने के लिए यहाँ मैं लेने वाली हूँ 1.5 कप चीनी। और 1/2 कप पानी। इसको अब हम करेंगे गैस को ऑन। यहाँ पे मैंने गैस की फ्लेम को हाई रखा हुआ है ताकि हमारी चाशनी जल्दी पिघल जाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी चीनी पिघल के एक तार की चाशनी बन चुकी है। इसको अब हमें थोड़ी देर 5 मिनट लगभग और पकाना है ताकि हमारी 2 तार की चाशनी बन जाए। अगर आपको इस तरीके से नहीं समझ आता कि चाशनी कैसे बनती है, तो 2 तार की जो चाशनी होती है वो इस बर्तन के साइड साइड में भी वो लग के जम के वाइट वाइट हो जाती है, तो उससे भी पता चल जाता है कि हमारी जो चाशनी है वो रेडी हो चुकी है। तो यहाँ पे हमारी 2 तार की चाशनी बन चुकी है। अगर इससे ज़्यादा मैं गाढ़ा करूँगी तो ये बहुत ही जल्दी चीनी जम जाएगी। तो इसको मैं गैस की फ्लेम करूँगी बंद, और हमारे जो शक्करपारे हैं उसको हम मिलाएंगे इस चाशनी में, और इसको चाशनी में अच्छे से मिक्स कर लें। ठंडी होते होते तक इस पे एक वाइट कलर की चीनी की परत जम जाएगी, और हमारे जो शक्करपारे हैं वो बन के रेडी हो जाएंगे। तो इसको फ़ैन के नीचे आप पूरी तरीके से ठंडा होने दें, और उसके बाद इसे आप एयर टाइट किसी बैग में या एयर टाइट बॉक्स में उसको आप स्टोर कर सकते हैं लंबे टाइम के लिए। तो इस त्यौहार ज़रूर बनाएं ये शक्करपारे चाशनी में लिपटे हुए, और इसके अंदर का जो फ्लेवर है वो तो खाने के बाद बहुत ही अच्छा लगेगा, खसखस और सौंफ का जो कॉम्बिनेशन है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।